मेरा एक इन्विटेशन था कुमार के मामा के घर पर, लेकिन मैं नहीं गई। तो उन्होंने मुझे ये खिचड़ी, ये कैबेज की सब्जी और गोभी की सब्जी और ये पायश और एक रसगुल्ला भेजा है, जो मैं दोपहर को खाने वाली हूँ। बिकॉज आज हमारी मेड नहीं आई, तो मैंने बोला ठीक है मैं दोपहर को यही खा लूँगी। तो आई एम गोना हैव दिस कंसी बनी। वो आजकल सुबह नहीं सोता है, सुबह मतलब उसका एक टाइम होता है सुबह सोने का, लेकिन 10:30 बजे के अराउंड वो एक डेढ़ घंटा सोता है, लेकिन वो आज नहीं सोया, कल भी नहीं सोया, परसों भी नहीं सोया था। तो आजकल वो नहीं सोता इस टाइम। तभी उसका लंच हो गया, लेकिन उसको देखो सोने का नींद के कोई नामो निशान नहीं है, उसको बस खेलना है, सिर्फ खेलना है उसको। अस्मी एंड ब्रो हैज कम टू टेक सम फ्लावर्स। मम्मी ने भी जानता हूँ तो अस्मी जाज पे हाय। गोरे कादे जाना खाबो आमी ना, ओ बेडरूम में आशी एक टू पड़े रेडियो बाकोन सो आई एम रेडी नाउ। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, आज वहाँ पे लक्ष्मी पूजा है। बहुत सालों में मतलब पहली बार शादी के बाद मैंने लक्ष्मी पूजा नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई इस बार। तो अभी हम जाएंगे, बनी भी रेडी है, बनी नहीं सोया इसलिए मैं अभी उसको लेके जा रही हूँ मम्मी के घर। पंडित जी आने वाला है 3:30-4 बजे के आसपास, तो कुमार नहीं जाएंगे, कुमार बाद में शाम को जाएंगे। तो अभी हम दोनों चले जाएंगे, अगर उधर अगर बनी उसको सोना है तो सो जाएगा, मैं थोड़ा काम कर लूँगी मेरा ड्राफ्टिंग वगैरह का। एंड ये भी अस्मी ने किया, यू कैन सी अस्मी'स फेस, शी इज वेरी मच बिजी एंड वेरी मच शोइंग ऑफ। वो बोल रही कि उसके पीठ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ये बना बना के। अस्मी एनी कमेंट? पीओ एज ऑलवेज बंदा हुआ रियल ते बसे थाक। हम तो जल्दी बैठो या बी यू कैन सी बनी इज शोइंग हिज स्किल्स अगेन अरेंजिंग बॉटल्स। एंड डू यू वांट टू नो हु इज शी? यस शी इज वेरी स्पेशल टू अस, शी इज माय ब्रदर्स होने वाली। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस शी वाज इनवाइटेड टू आवर हाउस, सो शी केम हियर फॉर द सेकंड टाइम। शी ऑल्सो स्टेज इन बैंगलोर, सो बाकी की डिटेल्स बाद में किसी ब्लॉग्स में आपको मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी अस्मी इज बिजी इन यू नो डेकोरेटिंग द रंगोली विथ फ्लावर्स। एक्चुअली मम्मी ने कल शाम को ब्रो को बोला था लाइट्स वगैरह लगाने के लिए, लेकिन ब्रो ने नहीं लगाया, तो अभी वो लगा रहा है। यू कैन सी अस्मी एंड ब्रो इज फुली इनटू ऑल दिस स्टफ। सब कुछ पूजा वगैरह ख़त्म हो गया, सब कुछ इज डन, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रसाद। मम्मी के घर का प्रसाद का एक ही स्पेशलिटी है, वो है नारियल का लड्डू।
इट वॉज सुपर टेस्टी एज ऑलवेज. मैंने दो तीन खा ली ऑलरेडी एंड यहाँ पे मैंने टेस्ट करी थी बाकी भी. मैंने सिर्फ मिठाई वगैरह लिया है और लड्डू वगैरह. यहाँ पे श्वेता अस्मी, श्वेता इज द स्पेशल पर्सन हियर, द स्पेशल गेस्ट. श्वेता अस्मी मी एंड ब्रो वॉज हैविंग कोल्ड ड्रिंक भी. यहाँ पे कैंडल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं. हाँ इस बार मैं नहीं लगा दी, मैं लगा नहीं पाई मैं, बट मैं दिवाली में ज़रूर लगाऊंगी. कैन सी सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज आवर मूर्ति. सो गाइज दिस वॉज ऑल इट फॉर माई दिस लक्ष्मी पूजा ब्लॉग. यहीं पे एंड करूंगी, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हो, मुझे पता है, एंड बोर करना भी क्यों. तो गाइज इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय, लव यू.